नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बतला दें, दिल्ली में बुधवार को ओमिक्रोन के 238 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी को लेकर चिंता की जाहिर करी DDMA ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट जारी रहेगा और जो प्रतिबंध लागू किए गए हैं वो अभी प्रभावी रहेंगे। जी हां, आपको बतला दें, बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDMA की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय में लिया गया कि येलो अलर्ट के तहत मौजूदा प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे। अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हाई अलर्ट नहीं लगाया जाएगा, भले पिछले 2 दिनों में कोरोना सकारात्मकता पर 1% को पार कर ली गई, सरकार वेटिंग वॉच मोड पर रहेगी। जी हां, आपको बतला दें, नाइट कर्फ्यू कब से कब तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और इमरजेंसी होने पर ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। बेवजह घर से बाहर निकलने वाले चालानी कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, दुकानें मॉल खुलेंगे या नहीं, आपको बतलाते हैं। सभी तरह की दुकानें और मॉल को खोलने की इजाजत होगी। हालांकि गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और मॉल ऑड इवन के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। जी हाँ, आपको बतला दें कि तीसरी बार रेस्टोरेंट और बार खोलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। होटल भी खुल सकेंगे, लेकिन होटल में कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी। चौथी बार, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे या नहीं। जी हाँ, आपको बतला दें कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को भी बंद किया जा रहा है। बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम भी बंद ही रहेंगे। आपको बतला दें क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। पांचवी पॉइंट, स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। आउटडोर योग की अनुमति होगी। सलून और ब्यूटी पार्लर भी खुल रहेंगे। पब्लिक पार्क खुले रहेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। हालांकि बगैर दर्शकों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। छठवीं पॉइंट, मेट्रो और बस के लिए क्या है नियम, आपको ये भी हम बतलाते हैं। मेट्रो और बसें चलेंगी, लेकिन इनमें एक बार में 50% यात्री ही सवार हो सकेंगे। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में भी 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी। आपको यही बतला देंगे। सातवां पॉइंट, ऑफिस को लेकर क्या है नियम। जरूरी सेवाएं को छोड़कर बाकी निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। शादियों में कितने लोग आ सकते हैं। शादी समारोह के कार्यक्रम में रोक नहीं है, लेकिन इनमें आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई। अब शादी में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। जी हां, नौवां, धार्मिक स्थल जा सकते हैं या नहीं। धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे, लेकिन यहां श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। दसवां पॉइंट, स्कूलों को लेकर क्या है नियम। DDMA ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद करने के लिए निर्देश दिए। ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी जारी रहेगी। साथ ही CBSE के 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी शेड्यूल के मुताबिक होते रहेंगे। स्कूलों के अलावा कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग